नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ईडी इम्फाल, मणिपुर के प्रवर्तन अधिकारी यू नवल किशोर मीना और उसका सहयोगी कनिष्ठ सहायक उप पंजक मुंडावर बाबूलाल मीना को राजस्थान एसीबी ने 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चिट फंड केस में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में अधिकारी ने 17 लाख रुपए मांगे थे। एसीबी ने 15 लाख रुपए लेते हुए ईडी के अधिकारी को ट्रैप किया है। आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर एसीबी की सर्च चल रही है। एडीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया, कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय इम्फाल मणिपुर में दर्ज चिट फंड केस में उसके खिलाफ मामले को निपटाने, प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने और गिरफ्तार नहीं करने की एवज में प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई पर नवल किशोर मीणा उर्फ एनके मीणा निवासी ग्राम विमलपुर पुलिस थाना तुंगा बस्सी जयपुर को उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा निवासी बस्सी जयपुर के माध्यम से परिवादी से 15 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है। ईडी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे अभिलाष को 7 नवंबर और अविनाश डोटासरा को 8 नवंबर को दिल्ली में पूछताछ के लिए तलब किया है। अजमेर की साध्वी अनादि सरस्वती ने भाजपा को छोड़ दिया है। नाराज साध्वी अनादि सरस्वती ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। सीएम गहलोत ने साध्वी अनादि सरस्वती कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई। जयपुर स्थित वॉर रूम में साध्वी सदस्यता ली। साध्वी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना त्याग पत्र सौंपा। बताया जा रहा है कि साध्वी अनादि सरस्वती भाजपा से बुरी तरह से नाराज थे। वजह है कि पहले साध्वी अनादि सरस्वती अजमेर उत्तर से भाजपा की दावेदार मानी जा रही थी, पर बाद में भाजपा ने उनका पत्ता काट कर उनकी जगह वासुदेव देवनानी को अजमेर उत्तर से अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं कांग्रेस ने अजमेर उत्तर से किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी आज नोखा में नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ होंगे। गहलोत नोखा के अलावा देशनोक में सभा को संबोधित करेंगे और बीकानेर शहर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। रामेश्वर डूडी के अस्वस्थ होने के कारण उनकी पत्नी सुशीला डूडी को कांग्रेस ने नोखा से प्रत्याशी बनाया है। नोखा सीट पर फिर से कब्जा करने के लिए कांग्रेस नामांकन के दिन से ही माहौल बनाना चाहती है, जिसका असर नोखा के अलावा आसपास की सीट्स पर भी दिखेगा। इसलिए मुख्यमंत्री खुद उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे। अपनी एक दिन की यात्रा में गहलोत 4 विधानसभा क्षेत्रों नोखा, देशनोक, कोलायत और बीकानेर को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। राजधानी जयपुर के विशाली नगर इलाके में साइबर ठगों द्वारा एक व्यक्ति को ऑनलाइन सहायता करने का झांसा देकर एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवा कर 2,42,000 रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित प्रेमपुरा निवासी जय सिंह हाड़ा ने विशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि शेयर ट्रेंडिंग का काम करते हुए 200 रुपए कट गए। इसलिए उन्होंने कंपनी के कस्टमर केयर पर बात करने के लिए गूगल से नंबर सर्च कर कॉल किया था। ऐसे में सामने वाले ने मदद करने का झांसा देकर एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाई और ठगी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब की संगरूर पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज किया है। आरोपी ने कम गोल्ड को ज्यादा दिखा, अधिक रकम का लोन पास कर दिया। कंपनी को पता चला तो जांच के बाद सिटी थाना पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस स्टेशन सिटी संगरूर के प्रभारी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि फाइनेंस कंपनी के अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह के बयान के आधार पर कर्मचारी महेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कर्मचारी ने बेहद कम मात्रा के गोल्ड को कागजों में अधिक दिखाकर किसी व्यक्ति के 9,46,906 का लोन पास करवा दिया। नियमों के अनुसार यह लोन पास नहीं हो सकता था क्योंकि गोल्ड की मात्रा बेहद कम थी। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर चौरासी थाना इलाके में लुटेरी दुल्हन शादी के 48 घंटे बाद ही 2.5 लाख कैश और 1 लाख के गहने लेकर फरार हो गई। मामले में गुजरात की रहने वाली लुटेरी दुल्हन सहित 7 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। थाना अधिकारी अमृत लाल ने बताया कि विकास नगर निवासी 34 वर्षीय ललित पाटीदार ने बताया कि 11 अगस्त को उसकी शादी किंजल पटेल निवासी गाबड़ जिला अरवल्ली गुजरात के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के 2 दिन बाद वह और उसकी मां रामप्यारी दोनों ही अपनी मौसी के घर करावाड़ा गए हुए थे। पत्नी किंजल घर पर अकेली थी। घर लौटे तो पत्नी घर पर नहीं थी।
फोन कर पूछा तो पीहर जाने की बात बताई और जल्द वापस आने की भी बात कही। शक होने पर अलमारी की तिजोरी खोलकर देखी, उसमें रखे 2.5 लाख रुपए गायब मिले और चांदी की पायजेब, 2.25 तोला की सोने की चेन भी नहीं थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर होने वाली गड़बड़ी रोकने, लड़ाई झगड़े एवं शरारती लोगों के घुसने और देरी से वोट डालने के लिए आने वालों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। चुनाव आयोग 2013 के चुनाव में प्रदेश भर में 3000 सीसीटीवी लगाए गए थे, इस बार संवेदनशील बूथों की संख्या बढ़ने के कारण 26000 कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में 51187 मतदान केंद्रों में से 26000 पर सीसीटीवी लगेंगे। जयपुर समेत अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा भरतपुर को 6 जोन में बांटा गया है। प्रदेश में 200 रिटर्निंग ऑफिसर, 33 डीईओ और 6 सीईओ मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग करना आसान होगा। लाइव वेबकास्टिंग में करीबन 7.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयपुर संभाग के 5236 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राजस्थान विधानसभा के होने वाले चुनाव में अलवर जिले की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। घोषणा होने के बाद विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। मौजूदा विधायक जौहरी लाल मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोगों से समर्थन की मांग की है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पिछली बार यहां से कांग्रेस के जौहरी लाल मीणा भारी मतों से चुनाव जीते थे। बीजेपी ने विजय समर्थ लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया था। इस बार राजस्थान में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से विधायक जौहरी लाल मीणा का टिकट काट कर नए चेहरे मांगीलाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है। बीकानेर जिले में एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। फिरौती का यह मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर मिला। मैसेज करने वाले शख्स ने फिरौती नहीं देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी। इस संबंध में जय नारायण व्यास कॉलोनी के सेक्टर नंबर 6 निवासी सिराजुद्दीन खान ने अज्ञात रोहित गैंग के आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। परिवादी ने बताया कि उसके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर मैसेज आया और 20 लाख रुपए देने को कहा। नहीं देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा जिले के बांदीकुई की कोलवा पुलिस थाने में एक विवाहित ने ऑटो सवार युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता ने बताया कि रात को वह अपने गांव में दुकान से सामान लेकर घर जा रही थी। इसी दौरान एक ऑटो सवार युवक ने घर छोड़ने की बात कहकर विवाहिता को ऑटो में बिठा लिया और बाणगंगा नदी के पास मारपीट कर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी विवाहिता को बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान यहां से गुजर रहे लोगों ने विवाहिता की हालत देख मामले की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी किताब चौधरी ने बताया कि विवाहिता 2 बच्चों की मां है। मामला दर्ज कर विवाहिता का मेडिकल करवाया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सब्जेक्ट वाइज मार्किंग स्कीम जारी की है। CBSE ने 10वीं क्लास 83 विषयों और 12वीं क्लास के लिए 121 विषयों की मार्किंग स्कीम जारी की है। लिस्ट में दिए गए डिटेल्स के अनुसार थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए 100 मार्क्स की परीक्षा होगी। 10वीं क्लास के लिए म्यूजिक, पेंटिंग, कंप्यूटर, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, हेल्थ केयर और मल्टीमीडिया जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। वहीं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। क्लास 12वीं के जियोग्राफी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 30 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। वहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट, डांस, होम साइंस में 50 मार्क्स दिए जाएंगे।